दोस्तों देखो, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो बड़े टैंकर वेसल्स होते हैं जो लिक्विड कार्गो कैरी करते हैं, लिक्विड कार्गो क्या करता है कि फ्लेमेबल जो गैसेस है, फ्लेमेबल गैसेस एमिट्स करता है, फ्लेमेबल गैसेस छोड़ता है, ठीक है। तो कार्गो ऑफलोड होने के बाद टैंकर वेसल से, कार्गो टैंक के अंदर से जब कार्गो ऑफलोड होता है, मतलब हम लोग पोर्ट में या किसी वेसल्स को देते हैं, ऑफलोड करते हैं, तो ऑफलोड करने के बाद टैंक के अंदर जहाँ पर कार्गो कैरी कर रहे थे वहाँ पर फ्लेमेबल गैसेस जमा होते हैं। फ्लेमेबल गैसेस मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, अभी हाइड्रोकार्बन को हमें रिप्लेस करना है, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एक तो हम लोग एयर भर सकते हैं, नहीं तो फिर इनर्ट गैस भरेंगे। तो इनर्ट गैस क्यों भरेंगे, अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर डायरेक्टली एयर इनलेट करेंगे, हाइड्रोकार्बन के अंदर डायरेक्टली अगर हम लोग एयर भरेंगे तो वो फ्लेमेबल मिक्सचर बनेगा और टैंकर ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में डायरेक्टली एयर कभी नहीं भरना है, हाइड्रोकार्बन में डायरेक्ट एयर नहीं भरना है। तो हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे इनर्ट गैस से। तो इनर्ट गैस हमें वो कार्गो टैंक के अंदर भरना है, तो कार्गो टैंक के अंदर इनर्ट गैस कैसे भरेंगे, दो मेथड होते हैं इनर्ट गैस कार्गो टैंक के अंदर भरने के। तो हम लोग कार्गो टैंक के अंदर क्या भरेंगे, इनर्ट गैस भरेंगे और हाइड्रोकार्बन को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इनर्ट गैस भरने के बाद जब वहाँ पर इनर्ट गैस कंप्लीटली हो जाएगा तो इनर्ट गैस के अंदर डायरेक्ट हम लोग एयर इनलेट कर सकते हैं। तो इनर्ट गैस के अंदर आप डायरेक्ट एयर भरते हो तो वो फ्लेमेबल मिक्सचर या वहाँ पर ब्लास्ट का कोई चांसेस नहीं होता, फायर के कोई चांसेस नहीं होते, इसके लिए इनर्ट गैस यूज़ होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। अभी एयर अभी इनर्ट गैस डायरेक्टली आपको कार्गो टैंक के अंदर कैसे भरना है, ठीक है। कार्गो टैंक के अंदर मुझे इनर्ट गैस भरना है और हाइड्रोकार्बन को बाहर निकालना है। तो इनर्ट गैस भरने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डाइल्यूशन और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डाइल्यूशन में क्या होता है, ए इनर्ट गैस इनलेट है, ए आपका हाइड्रोकार्बन आउटलेट है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोकार्बन बाहर निकलेगा या यहाँ से, और यहाँ से इनर्ट गैस अंदर जाएगा। तो डाइल्यूशन में क्या होता है, जो इनर्ट गैस हम टैंक के अंदर भरेंगे वो हाई वेलोसिटी स्पीड से भरेंगे, ठीक है। जो इनर्ट गैस हम टैंक के अंदर भरेंगे वो स्पीड से भरेंगे, ठीक है, कम एट अ हायर वेलोसिटी। इनर्ट गैस डाइल्यूशन में हाई स्पीड से भरते हैं ताकि वो इनर्ट गैस हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स हो जाए, इनर्ट गैस हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स हो जाए, इसके लिए हम उसको हाई वेलोसिटी में इन करते हैं, इनलेट उसका जो इनर्ट गैस का इनलेट रहेगा, इनर्ट गैस की जो वेलोसिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा क्यों रहेगी, तो हमें क्योंकि हमें वहाँ पर एक होमोजेनस मिक्सचर बनाना है, क्योंकि इनर्ट गैस हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स हो जाए और जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमें इनर्ट गैस कितना भरना है, इनर्ट गैस हमें टैंक के अंदर कितना भरना है, 3 times ऑफ द टैंक वॉल्यूम। अगर टैंक का वॉल्यूम 100 क्यूबिक मीटर है तो 300 क्यूबिक मीटर हमें इनर्ट गैस यहाँ पर भरना होगा, ताकि हमें वो परसेंटेज लेके आना है कि उस परसेंटेज के बाद में अगर हम लोग डायरेक्टली टैंक के अंदर एयर इनलेट करते हैं तो फ्लेमेबल मिक्सचर नहीं बनेगा, ब्लास्ट के या एक्सप्लोजन के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो हमें 3 times ऑफ द टैंक वॉल्यूम इनर्ट गैस इनलेट करना है, इनर्ट गैस यहाँ पर 3 times ऑफ द टैंक वॉल्यूम भरना है, ओके। तो अभी आपका मैक्सिमम इनर्ट गैस, मतलब अगर अगर स्पीड ज़्यादा है, बराबर, अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो मैक्सिमम इनर्ट गैस यूज़ हो रहा है, तो मैक्सिमम इनर्ट गैस एक टैंक के अंदर यूज़ हो रहा है, तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ टैंक्स ही सेम टाइम पे डाइल्यूट कर सकते हो। मतलब आप ज़्यादा टैंक्स डाइल्यूट या ज़्यादा टैंक से हाइड्रोकार्बन नहीं निकाल सकते, तो लिमिटेड नंबर ऑफ टैंक ही आप डाइल्यूट कर सकते हो। डाइल्यूशन सिंपल ध्यान देना, डाइल्यूशन मतलब मिक्सचर, कोई भी दो चीज का मिक्सचर, डाइल्यूशन करना मतलब वो जो मिक्सचर है, मिक्सचर को डाइल्यूट करना, जो अंदर टैंक के अंदर जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं, उसका जो परसेंटेज है उसे कम कर देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ क्या मिक्स होगा, इनर्ट गैस मिक्स होगा। कैसे मिक्स होगा, हाई वेलोसिटी में इनलेट करेंगे तो, ठीक है, हाई वेलोसिटी में इनलेट कर रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा टैंक्स हम लोग डाइल्यूट एट अ सेम टाइम नहीं कर सकते। तो अभी हाई वेलोसिटी में डालना है तो कितना डालना है, 3 times ऑफ द टैंक वॉल्यूम। तो आपके चारों पॉइंट कवर हो गए, ठीक है। तो डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूशन में क्या है, 3 times ऑफ द टैंक वॉल्यूम आपको इनर्ट गैस इनलेट करना है,
हाई वेलोसिटी में क्यों इनलेट करना है, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर बनाना है, होमोजेनस मिक्सचर बनाने के लिए हाई वेलोसिटी डाल रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपका इनलेट गैस यूज़ हो रहा है, इसके लिए लिमिटेड नंबर ऑफ टैंक ही आप डाइल्यूट कर सकते हो, तो आपका डाइल्यूशन हो गया, ठीक है। जब आपका डाइल्यूशन हो जाएगा उसके बाद में आपका जो परसेंटेज रहेगा, 3 times तो टैंक वॉल्यूम आपने इनलेट गैस भर दिया, तो उसके बाद में आप एयर इनलेट कर सकते हो, तो आपका एक्सप्लोजन का या ब्लास्ट का कोई चांसेस नहीं होता है, तो डाइल्यूशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो इनलेट गैस हम लोग भरेंगे, वो लो वेलोसिटी स्लोली भरेंगे। स्लोली क्यों भरेंगे, देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये टैंक है, टैंक के अंदर हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर पूरा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ये इनर्ट गैस से हेवी रहता है, वजन रहता है, तो इनर्ट गैस हम लोग यहाँ से भर रहे हैं, तो इनर्ट गैस हाइड्रोकार्बन को नीचे की तरफ पुश करता रहता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर है, हाइड्रोकार्बन हेवी है, इनर्ट गैस ऊपर से दबा रहा है, दबाने के बाद वो जो हाइड्रोकार्बन रहेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ का जो आउटलेट रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है, आउटलेट आपका नीचे रहेगा, तो जैसे इनर्ट गैस ऊपर से दबा रहा है, हाइड्रोकार्बन यहां से निकलते जाते हैं। स्लो वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि आपका वो इनर्ट गैस और हाइड्रोकार्बन मिक्स ना हो जाए, उनके बीच में उनको लेयर बनाना है, हाइड्रोकार्बन और इनर्ट गैस के बीच में लेयर बनाना है, तो हाइड्रोकार्बन नीचे है, उसके बीच में और इनर्ट गैस के बीच में हमें एक लेयर बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग लो वेलोसिटी में इनलेट करते हैं। हाइड्रोकार्बन इज हेवियर देन इनर्ट गैस, मैंने बोल दिया आपको, हाइड्रोकार्बन एस्केप फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से नीचे से निकलेंगे, इसका आउटलेट आपको नीचे बनाना है, ऊपर नहीं बनाना। इन दोनों डायग्राम के बीच में डिफरेंस ये है कि आपका जो आउटलेट है यहाँ का हाइड्रोकार्बन का, वो नीचे है और कम विद लो वेलोसिटी, तो इसके अंदर लो वेलोसिटी में इनर्ट गैस जा रहा है, हाइड्रोकार्बन नीचे से निकल रहे, ठीक है, लो वेलोसिटी में जा रहा है, मतलब लेस इनर्ट गैस यूज हो रहा है, और इस केस में जो यहाँ पर डिसएडवांटेज था, लिमिटेड नंबर ऑफ टैंक्स आप डाइल्यूट कर सकते हो, यहाँ पर आप ज़्यादा टैंक्स ले सकते हो, ठीक है। लो वेलोसिटी, आउटलेट एट द बॉटम और मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंक्स, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मतलब उस चीज़ की जगह लेना, मतलब यहाँ पर अगर कुछ चीज़ है तो उस चीज़ को हटा के वहाँ पर अपनी जगह लेना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डाइल्यूशन मतलब किसने क्या होता है, उस मिक्सचर को डाइल्यूट करो, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है उसको कम करो, कैसे कम करना है, मिक्स होके, ठीक है, ये हो गया डाइल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, उसको दबाओ और उसको निकालो और उसकी जगह ले लो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डाइल्यूशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट और डाइल्यूशन दोनों का फाइनल रिजल्ट सेम होगा, टैंक के अंदर इनर्ट गैस भरेंगे, ठीक है, टैंक के अंदर इनर्ट गैस है, अभी इस इनर्ट गैस के अंदर आप डायरेक्टली एयर इनलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्लेमेबल डायग्राम क्या होता है, फ्लेमेबल डायग्राम कैसे काम करता है, हम लोग इनर्टिंग क्यों करते हैं, इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।